नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। अब समय है शब्द बाण का। पीएम मोदी ने बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, बंगाल की धरती पर ही नारी शक्ति का अपमान हो रहा है। पीएम ने बंगाली भाषा में कहा कि टीएमसी जमकर नारी शक्ति पर पाप कर रही है। संदेश खाली में जो हुआ वो किसी को भी सिर शर्म से नीचे झुका देगा। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संपूर्ण बांग्लादेश संदेश खाली जड़ उठबे। पीएम मोदी ने बंगाल में एनडीए की जीत की बात कही। पीएम ने कहा कि एनडीए की जीत से एनडीए गठबंधन के लोग घबरा गए हैं। पीएम ने कहा कि विपक्षी लोग मोदी को गाली दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन के लोग मोदी के परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। पीएम ने कहा कि बंगाल और देश की बहनें ही मोदी का परिवार हैं। केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडी अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर रहा सकता हूं। ये लोग जानना चाहते हैं कहां है मेरा परिवार। जरा यहां आकर के नजर डाले, मेरे देश की ये बहनें जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार। पीएम मोदी ने ममता के गढ़ में टीएमसी को घेरा। पीएम ने कहा कि टीएमसी कभी बहनों की रक्षा नहीं कर सकती है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार महिला हेल्पलाइन बना रही है, सख्त से सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही। साथियों, तुष्टिकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को
यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने जनसभा में अपने शुरुआती दिनों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं छोटी आयु में एक झोला लेकर बिना पैसों के ही घर से निकल गया था। पीएम ने कहा कि तब देश की माताएं बहनें ही रोज खाने के लिए पूछ लेती थीं। छोटी आयु में देश के कई परिवारों ने मुझे खाना दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि 140 करोड़ ही मोदी का परिवार है। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था और देशवासियों को जानकर के गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और इसलिए मैं कहता हूं यही मेरा परिवार।